Good morning, friends. Good morning. Okay, so it's 6:30, actually 6:42 in the morning, and हमने शुरू किया है अपनी जर्नी टूवर्ड्स मोढ़ेरा. कल रात को बहुत टायर्ड हो गए थे, आपको ब्लॉग से भी लगा ही होगा. तो हमारा बस ये था कि किसी तरह से एक रूम टूर देके बस बेड बेड पर क्रैश कर जाऊँ. वी स्टेड एट वेंकट प्रेसिडेंसी होटल. ये पनवेल हाईवे पे ऊपर, जस्ट हाईवे के ऊपर ही है. डिसेंट सा रूम था, काफ़ी साफ सुथरा सा था, और हमने ऑप्ट किया था प्रेसिडेंसी सुप्रीमो करके कोई रूम का ऑप्शन था. कुल मिला के हमें अराउंड 2500 के आस पास. आई विल चेक एंड पुट द प्राइस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. बट काफ़ी साफ सुथरा सा, डिसेंट सा रूम था. स्टे वॉज कम्फर्टेबल. सुबह सुबह उन्होंने इवन जो सर्विस वाले लोग थे वो भी अवेलेबल थे, तो इट वॉज गुड. अभी के लिए हमारा ये जो जर्नी है दैट इज फॉर 12 hours टुडे, और हम हिट कर रहे हैं पहले, सबसे पहले गुजरात में मोढ़ेरा सन टेम्पल. लेकिन मोढ़ेरा सन टेम्पल का जो हमारा ETA दिखा रहा है वो है 6:30 का, और वहाँ पर शाम को होती है एक लाइट एंड साउंड का शो विच स्टार्ट्स अराउंड समवेयर अराउंड 7:20. तो हम लंच तक का वेट करेंगे टू डिसाइड कि क्या हम वो टारगेट कर पा रहे हैं कि नहीं, वो लाइट एंड साउंड शो. अगर बाई चांस हमें लगता है कि वी आर एनी वेज गोना स्किप मिस इट, इन दैट केस हम एन रूट वडोदरा का ललित महल पैलेस करते हुए चलेंगे, अदरवाइज वी विल स्ट्रेट गो टू मोढ़ेरा. सो बने रहिए साथ, देखते हैं कैसा रहता है दिन, कैसा रहता है ट्रैफिक का सीन. अभी तो इफ यू सी आई विल शो यू. ये है सुबह 7:45 का सीन, फुल रश है, ट्रैफिक है एकदम रोड हाईवे पे. वी आर स्टिल ऑन द बैंगलोर मुंबई हाईवे. हम मुंबई टच नहीं करेंगे, हम मुंबई को ठाणे की तरफ से आउटर से ही कट कर देंगे. सो देखते हैं कैसा जाता है दिन. ऑल विशेस फॉर अ गुड डे. दुग्गा दुग्गा. जस्ट बाद एक फोकिंग आई, जिससे जो ये ऊपर वाला ब्रिज वाला रोड देख रहे हो, दिस इज गोइंग इन साइड मुंबई. ये वाशी क्रीक के थ्रू मुंबई जाएगा, एंड वी आर टेकिंग द ठाणे वाला रूट. वही के रोड्स में बहुत ज्यादा आपको मैप देख के चलाना पड़ता है, इतना ज्यादा आपका क्लस्टर एंड वेब ऑफ फ्लाईओवर्स है कि अगर आपने थोड़ा सा भी अगर मैप मिस किया आपने मुंबई हार्ट लाइन, मुंबई के लोकल्स. देखो मम्मी ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, दिख रहा है. सो वी हैव अवर फैमिली ऑल्सो इन मुंबई. मेरी ताई जी है, रहती हैं यहाँ पे, एंड हम ऑलमोस्ट क्लोज टू शायद 25-30 किलोमीटर्स दूर है उनके घर से. आई विश हमारे पास टाइम और स्कोप होता दैट वी कुड हैव मैनेज्ड और एंड एडेड दैट टू द वीडियो. मुंबई वैसे अपने आप में, मुंबई में इतनी घूमने की जगह है, इतनी ज़्यादा घूमने की जगह है कि आपको कहीं बाहर निकलने की जरूरत, स्पेशली फॉर अ नॉन मुंबई है, तो बहुत ही मस्त जगह है भाई, मस्ट विजिट. अगर आप कभी आए नहीं हो, इट मेक्स सेंस दैट यू प्लान अ विजिट विद एटलीस्ट 2-3 और मोर डेज इन हैंड टू जस्ट कवर मुंबई. दैट्स IKEA मुंबई. सेल चल रही है, चलो चक्कर के आते हैं. Rishi seat train this side.
इसको देख के मुझे साथिया का सीन याद आ रहा है। लेफ्ट कॉलर रखना है, स्ट्रेट जा रहा है वाशी को, फिर वही वाशी ग्रीन कॉलर उसको। हम होटल के लिए रिसर्च कर रहे थे तो मेरा एक्चुअली मन था ठाणे के आसपास रुकने का, बट रोहित ने एक्चुअली सही डिसीजन लिया था कि अगर ठाणे होता तो हमारा कल बहुत ही वाट लग जाती। वैसे ही मतलब ऐसा नहीं कि कोई कम वाट लगी थी, बट रही सही कसर और पूरी हो जाती है। देखो धीरू भाई अंबानी लाइफ साइंस सेंटर, इधर पूरा वो एक के बाद एक सारे मतलब अंबानी के ही एस्टेब्लिशमेंट है। हाँ कोकिला बेन सबसे पहले धीरू भाई अंबानी वो हॉस्पिटल था कोकिला बेन वाला, फिर उसके बाद एक के बाद एक उनके एस्टेब्लिशमेंट्स। क्रॉसिंग भिवंडी जस्ट आफ्टर ठाणे, और यहाँ के तो रोड कंडीशंस भाई साहब, सारा पैसा मुंबई में लगा देते हैं लग रहा है। अयो बहुत 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 ही खराब रास्ते हैं। टेक अ लुक फॉर योरसेल्फ, बहुत खराब रास्ते हैं। सो यहाँ से निकलते हैं, एक बार हाईवे हिट करते हैं, देन वील हैव अ ब्रेकफास्ट। फिलहाल हम वो भिवंडी वाला रास्ता से तो निकल आए हैं। वो इट सीन्स गूगल ने कुछ तो कांड किया था, वो कोई 13 मिनट फास्टर रूट दिखा के उस वाली रास्ते पे हमें लेके गए। एंड एक्चुअली हमें क्वाड्रिलेटरल जो रोड है वो फॉलो करना चाहिए, जैसे टू द गोल्डन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड, उस पर वो हमसे मिस हो गया और उसकी वजह से वो रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब था, मतलब शायद वन ऑफ द वर्स्ट रोड ट्रैवल्ड। फिलहाल हम आ गए हैं वापस कनेक्ट होके गोल्डन क्वाड्रेंगल पे, और दिस इज ट्रैफिक काफ़ी है इस रोड पे, लेकिन रोड कंडीशंस वापस से ठीक हो गए हैं बाबा थैंकफुली। और अभी भी हमारा ब्रेकफास्ट पेंडिंग है, सो कहीं रुकते हैं पहले, फटाफट कुछ खाते हैं क्योंकि कल डिनर के नाम पे, अच्छा हाँ ये तो बता ही नहीं आप लोग को, कल डिनर के नाम पे हमने सिर्फ कहीं पे वो खा लिया था वड़ा पाव, जोशी वड़े वाले करके है वो पुणे का ही चेन है शायद, काफ़ी अच्छे होते हैं उसके वड़ा पाव, तो हमने बस वही जोशी वड़े वाले मिल गए थे तो वी हैड दोज वड़ा पावस। और कृषु के लिए हमारे पास पूड़ी रखी थी तो हमने वो पूड़ी खिला दी। चलिए अभी देखते हैं कहाँ नाश्ता करते हैं, आपको भी अपडेट करेंगे, सी यू। सो हम आके रुके हैं, ये जार फूड कोर्ट करके एक है, दिस इज जस्ट बिसाइड द रोड, तो ब्रेकफास्ट करते हैं और आपको अपडेट देते हैं कैसा था खाना। तो ये है हमारा ब्रेकफास्ट, दो वड़ा पाव और दो मिसल, और कृषु के लिए हमने अलग से बन मस्का बोला है। नॉट श्योर वाई, लेकिन ये महाराष्ट्र के फास्ट टैग्स का कोई तो इशू है, इतनी लंबे लंबे ट्रैफिक जाम, वो भी फास्ट टैग के साथ। प्रॉब्लम होती याद है जब हम लोग लखनऊ से बाई रोड अभी जब नवंबर में वापस आ रहे थे जितने भी ये टोल हैं सबकी यही हालत है।
वहाँ पे तो मैनुअली रीड कर रहे थे कई जगह पर, जिस वजह से ट्रैफिक वो हो रहा था लंबा। लोगों ने मैनुअली कर रहा है। तो आप इसको टारगेट कर सकते हो, इस जगह को, इस ब्रेकफास्ट पॉइंट को। इसका नाम था जार फूड कोर्ट करके। दे हैव बोथ साउथ इंडियन एंड नॉर्थ इंडियन एंड काठियावाड़ी जैन ऑप्शंस, गुड फूड। अभी हमारा ETA स्ट्रेच होके हो गया है 8:30 का, और इस रोड पे ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा है। सो देखते हैं कितना हम मेकअप कर पाते हैं, लेट्स सी। परसों से खाली रोड नहीं देखी हूँ। महाराष्ट्र की टोपोग्राफी में ये जितने पहाड़ हैं तो ये बहुत मतलब अलग से ही है ना, बिल्कुल थोड़े ब्राउन, ये घास घास टाइप के, थोड़ा वो लुक देते हैं, फोर्ट वाला लुक आता है। हाँ सही सही कह रहे हो। दिस इज द ट्रैफिक सीन जस्ट बिफोर एंटरिंग गुजरात। अपडेट ये है कि बज रहा है समय 3:30 और हम करीब 12 बजे है ना, 12 बजे हम गुजरात एंटर किए थे थ्रू वापी, और अभी हम सूरत क्रॉस कर गए हैं। एक बहुत ही ख़राब ट्रैफिक का सीन है। उन्होंने जब सुबह स्टार्ट किया था तो हमारा ETA था अराउंड 6:30 का, और अभी जाके वो हो गया है 10:00 का, एंड दैट्स ऑल थैंक्स टू दिस ट्रैफिक। आप खुद देख सकते हो ये सीन है, मतलब रेंग रही है गाड़ी लिटरली। शायद दो इतने बड़े बड़े बिजनेस हब्स हैं अहमदाबाद, और अहमदाबाद सूरत पूरे ही बोल सकते हैं, और बॉम्बे, उसकी वजह से ही पूरे रास्ते में ट्रक का ट्रैफिक, गाड़ियां मतलब भरी पड़ी हैं। तो देखते हैं बाकी हमारे जो साइड के प्रोग्राम्स हैं वो तो शेल्व हो गए ना, तो मोडेरा का लाइट शो हो पाएगा और ना ही वडोदरा का पैलेस। वडोदरा का पैलेस करने का हमारे पास एक और चांस है वाइल्ड रिटर्निंग, बट मोडेरा का लाइट शो तो गया। सो मोडेरा का मंदिर हम जाएंगे कल सुबह, होपफुली सुबह जब जाएंगे तब हम आपके साथ शेयर करेंगे। बट लाइट शो भी बहुत अच्छा होता है अगर कभी भी आप इधर का प्लान बनाओ। सो इट स्टार्ट समवेयर अराउंड इवनिंग 7, वही हमारा प्लान था क्योंकि वो 6:00 तक का हमारे पहुंचने का हिसाब था, तो हमने सोचा था भाई 7:30 वो स्टार्ट होता है एंड दैट्स व्हेन वी कैन कैप्चर इट। चलो कोई नहीं, रोड ट्रिप पे ये अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें होती रहती हैं, एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो देखते हैं आगे कितना क्या सीन रहता है। अभी वहाँ से तो खुला है बट ऐसे ही चल रहा है भाई, देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं, बताते हैं आपको। अपडेट, अभी हम लोग पहुंचे हैं वडोदरा और टाइम हो रहा है 5:51। ETA है 10:00 का, सो आई कॉल्ड द होटल एंड टोल्ड देम दैट वी विल बी लेट। तो डिनर के लिए वो लोग वहाँ पर अरेंजमेंट कर देंगे, उन्होंने कहा कि अगर आपको लेट भी होगा तो देवकाई ने ना से कि हम आपका डिनर व्हील में इंश्योर की बना के रखा रहे। सो कम से कम वो हेडेक नहीं है कि क्योंकि जहाँ पर ये होटल एक्चुअली हमने लिया है वो जस्ट मोढ़ेरा
सन टेम्पल के 100 मीटर के पेरिफ्री के अंदर है, तो और उसके वहाँ पे आसपास कोई और होटल नहीं है, तो अगर नहीं होता डिनर का इंतजाम तो फिर हमें प्रॉब्लम हो जाती। सो चलिए अभी के लिए कम से कम वो एक हेडेक गया। ट्रैफिक का सीन वैसा ही बना हुआ है, कुछ कर नहीं सकते अब। नाउ वी हैव कम टू टर्म्स विद इट। सिटी अब समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्यों इतना ट्रैफिक है। शायद ट्रैफिक मतलब डेंसिटी ऑफ व्हीकल्स बहुत ज्यादा है हाईवेज पे। इनफैक्ट अनफॉर्चुनेटली हमने कितने 3-4 देख लिए एक्सीडेंट्स। 3-4 तो एक्सीडेंट्स ही देख लिए हैं। बेसिकली वही है कि सिंस गुजरात महाराष्ट्र दोनों इंडस्ट्रियल हब्स हैं, तो इसलिए ट्रक्स का जो डेंसिटी है रोड पे बहुत ज़्यादा है। ट्रक्स हो गए या फिर जितने भी हैवी व्हीकल्स हो गए, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स हो गए, व्हीकल्स हो गए। नोएडा के बाद अहमदाबाद एक बड़ा शहर है अभी भी एन रूट, फिर तो मोढ़ेरा ही है। चलिए देखते हैं कितना कवर कर पाते हैं और कितनी देर में कवर कर पाते हैं। तो ये है डिनर का बुफे, कचुंबर सैलेड, गुजराती कढ़ी, गुजराती कढ़ी पनीर लबाबदार, और ये एक बैगन की सब्जी है, खिचड़ी और रोटी, और साथ में है बटर मिल्क। सो शुरू करते हैं और आपको टेस्ट कर रही रूम में जाके देंगे। हम फाइनली पहुंच गए अपने होटल, 10 बजे एग्जैक्टली पहुंच गए थे, और आते ही थैंकफुली तब तक बुफे लगा हुआ था, तो हमसे होटल वालों ने कहा कि इमीडिएटली आप पहले बुफे करवा लो, उसके बाद ही आप खाना वगैरह सामान वगैरह भी खाली करना। सो बहुत ही बड़ा रिजॉर्ट है और ये जस्ट लगा हुआ है सन टेंपल के, और शायद ये इकलौती प्रॉपर्टी है जो हमें एटलीस्ट अभी रात में दिखी है। सो इफ़ यू सी, इधर से रोहित आ रहा है। जहाँ तक वो जा रहा है ये पूरा इनकी का ही प्रॉपर्टी है। हम तो इतना लेट हो गए, कुछ एंजॉय नहीं कर पाया, अदरवाइज छोटे 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 एक्टिविटीज़ के लिए भी रखी हैं चीज़ें। और इधर एक बहुत बड़ा सा पार्क टाइप का है, बच्चों का खेलने का राइड्स वगैरह हैं, और पीछे जो आप देख रहे हो दैट इज़ देयर रेस्टोरेंट। सो हमने यहाँ पे दो तरह के अकोमोडेशन अवेलेबल है, एक है भूंगा और दूसरा है टेंट्स। तो आज जो हैं वो जो यहाँ के लोकल भुज के साइड के कम्युनिटी के लोग, जैसे जो सॉलिड फाउंडेशन वाले घर होते हैं उनको बोला जाता है भूंगा। आई शो यू, हमें वो भूंगास मिले नहीं, दे वर ऑल फुल। हमने अभी भी अपग्रेड के लिए बोला तो वो उनके पास अवेलेबल था, लेकिन उसमें थर्ड अडल्ट के लिए फिर जगह नहीं हो पा रही थी। सो दे वर जस्ट, हम अभी भी उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे अगर वो हो जाता तो अच्छा होता। सो हमें जो मिला है वो टेंट अकोमोडेशन मिला है। आई शो यू द भूंगास। इन्होंने छोटा सा एक बॉनफायर का सेटअप किया है। जो टेंट वाली और भूंगे वाले हैं वो अपने कार्स इस साइड भी लगा सकते हैं। एंड दिस इज द सेटअप फॉर द टेंट्स। यू शेप में सारे टेंट्स हैं। एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट आई डोंट मिस टू शो वांट टू मिस टू शो इज, कैन यू सी द स्टार्स? आई डोंट नो हाउ मच the camera can capture, they are really big here. Itne tare dikh rahe hain, phone ka camera shayad itna strong nahi hai ki sare capture kar paaye, but it's awesome. So the boys are now helping us to set the luggage. Bahut अराउंड 11ish हो गया है, सो बस अब डिनर। और बाय द वे डिनर का रिव्यू, बहुत अच्छा खाना था, कढ़ी वगैरह एकदम
जो ऑथेंटिक होती है वैसा ही था और बहुत अच्छा टेस्ट था. दैट्स आवर टेंट. ठंड यहाँ पे ठीक ठाक अच्छा खासा है. वी गिव यू अ क्विक रूम टूर. दिस इज लाइक थोड़े ऊपर हैं. ये एक छोटा सा पहले सेट आउट दिया है इन्होंने. दैट्स देयर. देन एक रॉकिंग चेयर इधर. देन इन द रूम. दिस इज द रूम तो नहीं, टेंट बोलना चाहिए. टेंट में दिस इज द डबल बेड एंड दैट्स अनदर सिंगल बेड देयर. यहाँ पे एक छोटा सा मिरर और कॉफी स्टेशन. एक कबर्ड इसी जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है. एंड दिस इज द वॉशरूम. द वॉशरूम इज प्रिटी ह्यूज. दैट्स द वॉशरूम. गीजर वगैरह सेटअप है तो बेसिकली ज़रूरत की सारी ही चीज़ों का ध्यान रखा गया है. सो इट्स क्वाइट कॉम्फी. काफ़ी अच्छा सा है टेंट भी. सो बस सो आज के लिए इतना ही. हम कल सुबह सुबह रेडी होके कल का दिन इवेंटफुल रहने वाला है. सो वी विल स्टार्ट विद मोढेरा सन टेम्पल. देन फ्रॉम देयर कल ही बताएं. जॉइन अस टुमारो. सब्सक्राइब एंड लाइक फॉर more such travel content. Please subscribe. Till then, good night. See you. Good bye night. Bye. Happy traveling. Bye. Happy traveling. Bye.